हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है बीजेपी एमएलए राजा सिंह सेंसेशनल कमेंट ऑन पुलिस रामनवमी शोभा यात्रा 2023। जय श्री राम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यात्रा है इनका, पूरे चलते हुए जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खेल तुम्हारा क्या? ये पीछे मॉस्क है क्या? इसपे कपड़ा लगाया हुआ है? कपड़ा क्यों लगाया हुआ है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब अपडेट कर रहे हैं। गाना सुन रहे क्या? क्या कह रहे? बाप तो बाप रहेगा। हाँ, क्या बोल रहा? गाड़ी बहुत ह्यूज सा लग रहा है, क्या है ये? ट्रक है? यहाँ पर जितने भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे नजर के सामने है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा को सफल करने के लिए आए हैं, मैं आप सबको पूर्ण रूप से प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, ये मेरा पुलिस भाई वो राम भक्त है तुम्हारी सेवा के लिए। अरे धक्का मत मार, किसी को धक्का मार मत मार। प्लीज वही राम भक्त है जिन्होंने एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। अरे सुनने वाले कान खोल कर सुन लो, देखता हूँ। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। अधिकारियों से आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो। क्यों? या मुझको आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? मैं डर हो जाओगे क्या? तुम रोकोगे उन नौ जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को
इंडिया में हम लोग यादों के खिलाफ बात इंडिया? करते हैं तो तुम एफआईआर करते हो मेरे खिलाफ। अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कईयों साधु संतों ने, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोली खाई, अगर उनके बारे में मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूँ तो तुम केस बुक करते हो मेरे ऊपर। अरे गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, अगर गौ हत्या के खिलाफ मैं बात करता हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर करते हो। मेरे भाइयों, मैं जब से जेल से बाहर आया, आप विश्वास नहीं करोगे, एफआईआर पे एफआईआर मेरे ऊपर बुक की जा रही है, केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, पता नहीं मैं कब आऊंगा। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, बहुत सह चुके, अब हम नहीं सहेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज आप सबको उठाना है मेरे भाइयों। अरे दो दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए करेंगे, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहाँ है रे ऊपर, किसको बुला रहे हैं? बेटे को। अच्छा बेटे को, मैंने कहा जिसने किया उसको पकड़ के लाए क्या? मादर चौदह, हाँ इतना सुंदर ट्रक देखा है, ह्यूज है, मुझे तो समझ नहीं आता ऊंचा कैसे है। वहां से निकल रहे आगे जा रहे, ये
यार कमाल थी, इट वॉज अनइमेजिनेबल. मेरे को लग रहा था कि खाली जैसे होती है यात्रा वो होगी, पर इन्होंने जैसे खड़े होके जिस तरह से बात की है, बहुत कुछ मेजर सीरियस है बैकग्राउंड में जो हमें नहीं पता है. बहुत बुरा मतलब इनके साथ हो रहा है, बार बार लोग FIR उनको फंसाने के लिए जो भी है कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ रहा है. इनकी फैमिली के ऊपर भी ऐसे लग रहा है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर वो कह रहे हैं कि उनका है एम कि हमने जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है. और बात उनकी भी देखो बिल्कुल ठीक है कि अगर बाकी रिलीजन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ ने अपने आप को बोला है कि हम इसकी हमारी इस्लामिक कंट्री हैं या हम इस टाइप की कंट्री हैं, तो हिंदूज़ के लिए एक कंट्री क्यों नहीं हो सकती, खासकर जब सारे हिंदूज़ जो हैं वो इंडिया में हैं, भारत में हैं. अब हिंदू राष्ट्र का ये मतलब तो है नहीं कि कोई और रह नहीं सकता, जैसे बाकी कंट्रीज़ में तो होता है कि आप कोई और रिलीजन नहीं कर सकते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो दूसरे माइनॉरिटी दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं. हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि है हिंदू राष्ट्र बोले पर सब मिलजुल के रह रहे हैं, वो कोई भी रिलीजन हो सबको फ्रीडम होगी. तो प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि भाई कि तुम उसके अगेंस्ट तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही हो. तो आई डोंट नो कि क्या है, और पर लोगों पे डिपेंड करता है. जो पार्टी है उसको एक एजेंडा ला सकती है मैनिफेस्टो में और लोग उसके अकॉर्डिंगली वोट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से लोगों पर डिपेंड करेगा मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या चाहते हैं. मगर जहाँ पे सेक्युलर है वो तो बेस्ट प्रोसेस है जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ फ्रीडम है. मगर अगर लोग चाहते हैं कि आप इसको एक ही रिलीजन का बनाइए प्राइमरी, तो लोगों के ऊपर है और उसके लिए रास्ता खुला है. डेमोक्रेसी है, आप बंदे को लेके आइए, वोट करिए और मैनिफेस्टो में आगे बढ़िए. तो मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेसी में जो लोग चाहते हैं अल्टीमेटली वही होता है. बिल्कुल. अब लोगों की अपनी विल दिखानी है बाय वोटिंग इन डेमोक्रेसी. तो काफी अच्छा वीडियो था यार. ट्रक था क्या था, जो भी गाड़ी बनाई थी इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची थी. और कैसे और इसमें टेंशन नजर आ रही है, तभी वो आके मतलब एक और रिलीजियस स्थान के पास रुके हैं, वहाँ बोल रहे हैं उनको कुछ मैसेज देने के लिए. कुछ हुआ होगा, जैसे कह रहे हैं मैं जेल में रहता हूँ, FIR हो रही है, उनको धमकी भी दे रखी है. तो काफ़ी कुछ चल रहा है और तो इसके बारे में हिस्ट्री नहीं है, बट मैं तो ये कहूँगा कि शांति रखिए और हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है और वोटिंग से जिसको जो भी आप करवाना चाहते हैं लोग करवा सकते हैं. बिल्कुल, मिलजुल के रहना चाहिए. पर अगर आप अननेसेसरी एक रिलीजन के ऊपर अटैक करोगे, जैसे कितने आए कि भैया जब यात्रा हो रही थी पत्थरबाजियां की हैं लोग वहां पे, तो अगर आप इस टाइप से करोगे तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी. फिर भैया कोई आपको कितना आप गलत काम को सहता रहेगा, तो आप ही एक फ्रिक्शन पैदा कर रहे हो. मिलजुल के रहना सीखो, रिस्पेक्ट करने करो दूसरे रिलीजन की. नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपको भी आएंगी. बेस्ट होता है मिलजुल के रहो, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करो. पर दिस वॉज ओ माई गॉश अमेजिंग यार. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.